नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हमारे पत्रकार साथी प्रवासी एकता के संपादक संजय गोपीलाल जैन, जो कि शिवसेना के व्यापारी संगठन तालुका प्रमुख भी है और साथ ही साथ मशहूर रंगोली ज्वेलर्स दुकान के मालिक भी है, 16 सितंबर को इनका जन्मदिन था। इस जन्मदिन को बड़ी ही सादगी से मनाया और अपने जन्मदिन के अवसर पर सब परिवार नाकोड़ा भैरव जी के दर्शन किए। वहां पर पशुओं को लड्डू और चारा, इस तरह से लड्डू चारा खिलाकर पशुओं की सेवाएं की। साथ ही साथ इन्होंने भास्कर यादव राव वृद्ध आश्रम जाकर वहां के वृद्ध लोगों के साथ केक काटकर उनमें फल और कपड़े वितरित करके अपना जन्मदिन मनाया। वहां पर भोजन की व्यवस्था की गई, उनके साथ भोजन भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान इनका परिवार तो साथ में था ही, और साथ ही साथ कुछ चंद करीबी लोग, जिसमें पत्रकार साथी वसीम शेख, इनके करीबी और सामाजिक कार्यकर्ता अजीत पाटोले और भी कुछ लोग, चंद लोग मौजूद थे। इस अवसर पर संजय गोपीलाल जैन ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि उन्होंने इस तरह से अपना जन्मदिन पहली बार मनाया है और इस तरह से जन्मदिन मनाने के बाद उनको काफ़ी खुशी अपने आप में महसूस हो रही है। तो इस पूरे इनके जन्मदिन के कार्यक्रम की देखिए आप झलकिया आगे वीडियो में। और मैं यूसुफ अली ये दुआ करता हूँ कि संजय गोपीलाल जैन जी हजारों साल हमारे पत्रकार साथी है, जैसा मैंने पहले ही बताया, दिन रात तरक्की करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। दिल्ली जी, आज जो आप दान पुण्य कर रहे हो, जिसे वृद्ध आश्रम आए, फिर इससे पहले आपने गौ को चारा डालने पहुंचे नाकोड़ा धाम मंदिर, तो इसका राज क्या है, आज कोई विशेष दिन है? नमस्कार, मैं संजय जैन। सर, आपने अभी एक सवाल पूछा कि आज विशेष दिन है। हाँ, आज मेरा जन्मदिन है और मैं आज मेरा जन्मदिन मेरे परिवार के साथ, मैं परिवार के साथ नाकोड़ा धाम में गया, नाकोड़ा धाम के दर्शन किए, नाकोड़ा जी के, परसनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन के पश्चात मैंने गौशाला जाकर गायों को केला और अपना लड्डू वितरण किया। क्यों, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बहुत बारिश भी हो रही है, इस भरे बारिश के अंदर मैंने आज सोचा मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, और जन्मदिन के इस उपलक्ष्य में मैं गौशाला जाकर गायों को चारा, लड्डू और केला खिलाऊंगा। उसके बाद मैं यहीं हाईवे, विरार हाईवे पर वृद्धाश्रम है, भास्कर वृद्धाश्रम, वहां गया मैं अपने परिवार के साथ और हमारे प्रवासी एकता के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम अहमद सैद के साथ। आज आया यहाँ वृद्धाश्रम में, मैंने बिस्किट, केला ये वितरण किया, बहुत अच्छा लगा। उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, बस उनका आशीर्वाद मुझे मिले और मैं ऐसे ही आगे चलकर सेवा दे सकूं, गौ सेवा कर सकूं और बुजुर्ग लोगों की भी सेवा कर सकूं। बस मैं सभी से ही अपील करता हूं, जिनका भी बर्थडे आता है, बड़े राजनेता हुए, बड़े पत्रकार हुए या कोई भी है, आप जन्मदिन अगर इन लोगों के साथ बिताओगे, जन्मदिन मनाओगे, तो आपको लगेगा कि जन्मदिन मनाने का मज़ा ही अलग कुछ होता है। जन्मदिन तो हर कोई मनाता है, बड़ी बड़ी पार्टियाँ रखते हैं, बड़े बड़े शौक मनाते हैं, पर अगर इस जगह आकर गौशाला में गाय को चारा देकर के उनको उनकी, और वृद्धाश्रम में आकर जो अपन जो भी वितरण करते हैं अपनी अपने हिसाब से, वो जो मज़ा आता है ना, आज मेरे परिवार के साथ, मेरी वाइफ है, मेरे दोनों बच्चे हैं, वसीम भाई जो पत्रकार हैं वो समाज सेवक मेरे साथ में हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आज हमने आकर यहाँ हमारा जन्मदिन मनाया, मैं बहुत खुश हूँ। माता रानी, भगवान और सभी लोगों का मेरे को आशीर्वाद मिले। बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसा कि मैं पूछना चाहूँगा, कुशल जैन जी, आज आपके पतिदेव का जन्मदिन भी है, जो कि एक नेता भी हैं, पत्रकार भी हैं, और आप उनका फुल सपोर्ट हमेशा करती रही हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगी, क्या बधाई देना चाहेंगी? हाँ, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, जो हम लोग आज नाकोड़ा धाम गए हैं, वहाँ पर गायों को चारा दिया है और नाकोड़ा जी के दर्शन किए हैं, फिर वृद्ध आश्रम में आए हैं। तो आज हमको अच्छा लगा कि पूरा बारिश के मौसम में इन्होंने ये प्लान बनाया है कि आज मैं वहाँ पे जाऊँगा। बाकी हर साल वो जन्मदिन अच्छे से मनाते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, मैं वसीम अहमद शेख। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे
प्यारे भाई मित्र और मेरे न्यूज़पेपर प्रवासी एकता के संपादक, आज उनके साथ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं विद्रा आश्रम में आकर उनके साथ जो यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, जो बुढ़े हैं या बुढ़ो हैं बुढ़ी हैं, जिनको उनकी औलादों ने छोड़ दिया है, उनके बीच हम जाकर कुछ जो भी उनकी ज़रूरतें की थोड़ी बहुत सामान जो हम कर सकते थे इस जन्मदिन के अवसर पर। आपको बताते चलूँ कि आज हमारे संजय जी का जन्मदिन, उस अवसर पर इतनी बारिश होने के बाद भी हम ये सोच के निकले कि आज उनके भगवान नाकोड़ा धाम जो हमारे हैं उनका दर्शन करेंगे, वहाँ गाय को चारा डालेंगे, फिर उसके बाद वृद्धा आश्रम आके इनके फल वितरण और भी कुछ सामान थे जो ज़रूरतें की थे वो बांटे गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे संजय जी का जो ऐसे नेक कामों में मुझ जैसे दोस्त को भी अपने साथ लेकर चलते हैं और इस पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।